दोस्तों यहाँ अपने सामने रॉयल एनफील्ड हंटर 350 और इसमें जो मॉडिफिकेशन की है काफ़ी बेस्ट मॉडिफिकेशन है और कुछ चीज़ें इसमें ऐसी हैं जो फर्स्ट टाइम है वो मैं दिखाऊंगा आपको लास्ट में। स्टार्ट करता हूँ यहाँ पर। तो ये जो मॉडिफिकेशन है ये है मस्ट हैव मॉडिफिकेशन जो बाइक लेने के बाद आपको सबसे पहले कराना चाहिए। तो यहाँ पर जो पीपीएफ लेमिनेशन की है जो कि 3 लेयर वाली है जिसमें शाइनिंग और चमक देख सकते हो कितनी ज़्यादा है। आप ये देख सकते हो गाइस इजिली यहाँ पर आप इसको चमक और शाइनिंग और जो मेन लेयर थी वो इसके अंदर ऐड हो चुकी है। फुल बाइक को किया गया लेमिनेशन। फुल बाइक में जो पार्ट कवर किया जाता है जैसे कि यहाँ पर आपका मडगार्ड हो गया, टैंक हो गया और पीछे वाला थोड़ा सा मडगार्ड, तो वो सब चीज़ें की जाती हैं। इसके अलावा इसमें आप देख सकते हो वाइजर इंस्टॉल है। वाइजर की क्लैंप वगैरह इसमें बिल्कुल जेन्युइन है जिससे किसी भी तरह की वाइब्रेशन नहीं है। और काफ़ी सारे लोग क्या करते हैं यहाँ पर रॉड वाला लगा देते हैं, जो इस जगह पर रॉड आता है भाई काफ़ी ज़्यादा वाहियात लगता है और जो इसका लुक है वो खत्म हो जाता है बिल्कुल। यहाँ से तो बड़ा अच्छा लगता है कि वाइजर वाइजर लगवा रखा है, लेकिन जब साइड में आओगे ना तो बहुत ही मतलब कहते हैं ना बिल्कुल ही बेकार लगता है। तो उस केस में ये क्लैम्प वाला वाइजर आप लगवाओ, इसकी प्रॉपर क्लैम्प वगैरह होती है तो वो आप लगवा सकते हो। इसके अलावा क्रैश गार्ड की काफ़ी सारी डिजाइनिंग है, बाकी ये डिजाइनिंग भी आप देख सकते हो काफ़ी बेस्ट है, काफ़ी बल्कि इसमें आपको मिल जाता है स्लाइडर। सम गार्ड इंस्टॉल किया है और बात करूँ अगर इसकी कनेक्टिंग की तो यहाँ से लेकर यहाँ तक कनेक्ट है और इसको लगाने के बाद आपका टैंक और आपका इंजन और आपके लैग्स रहते हैं प्रोटेक्ट, ये देख सकते हो यहाँ पर आप। इसके अलावा मोबाइल होल्डर इंस्टॉल जो कि विथ चार्जर है, बहुत ही हैवी क्वालिटी वाला है और एक टाइम पहले मैंने भी इसको जो है अपनी बाइक में लगा रखा था गाइस, बहुत ही ज़बरदस्त हैवी है और इसमें किसी तरीके की वाइब्रेशन नहीं होती है। अब बात करूँगा उस पार्ट की जो मैं आपको दिखाना चाह रहा था। अभी तक आपने जो देखा था हेडलाइट के अंदर थार लाइट लगा रहे थे, माइनस रिंग वाली काफ़ी सारी जो लगी हुई है इस तरीके की देख सकते हो आप। बट अब क्या इसके अंदर नाइट आई का बल्ब लगा दिया। नाइट आई जो बल्ब है वो कार के अंदर बंदे यूज़ करते हैं, फोकस बहुत ज़बरदस्त होता है इसका। मैं आपको दिखाता हूँ इसका ऑन करके फोकस कैसा है ताकि आपको पता चले कि इसका फोकस कितना है। ये देखो गाइस ये प्रॉपर नाइट नहीं है लेकिन फिर भी आप इसका लो बीम और इसका हाई बीम देख सकते हो। ये देखो गाइस और जब पूरी रात हो जाएगी ना भाई तो ये जो लाइट है इसकी बहुत ही ज़्यादा हाई होती है, बताने की ज़रूरत नहीं है इसमें। यहाँ से देखो गाइस ये पूरी रात में दिन करने वाली लाइट है और ये जो नाइट आई है उन लोगों के लिए जिन लोगों को रिंग वाला सिस्टम नहीं चाहिए, अपनी जो है ये सब चीज़ें नहीं निकलवानी है, पूरा फ्रेम बाहर नहीं निकलवाना है, सिर्फ और सिर्फ आपको लाइट तेज चाहिए तो आप नाइट आई लगवा सकते हो। फोकस एक बार दोबारा आप देख सकते हो। बाकी अगर मैं आपको यहाँ से बंद करके दिखाऊं तो देखो गाइस ये बंद हो गया, ये चालू हो गया, ये बंद हो गया और ये चालू हो गया। तो ये है इसका फोकस नाइट आई का गाइस। भाई काफ़ी सारी वीडियो आपको मेरे चैनल पर देखने को मिलेंगी हंटर से रिलेटेड जिसमें एवरीथिंग ए टू जेड 112 सब कुछ मॉडिफाइड कर रखा है, चाहे वो कुछ भी होगा इस चेकआउट कर लेना।